गुड मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 2 मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों वाले चैप्टर पूरा हो चुका है बच्चों। आज अपन अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो राजनीति विज्ञान के जो ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में इनके आंसर्स लिखते जाइए और फिर फेयर कॉपी में इनको करते रहना, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए ये बहुत फायदेमंद मेरा वीडियो साबित होता रहे। और मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि आप बोर्ड एग्जाम में राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो आप इसके लिए मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। आज मैं आपको चैप्टर 2 के अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ, तो अपनी कॉपी और पेन भी साथ में रखो। देखो बच्चों, चैप्टर 2 के अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो ध्यान रखना बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद आता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ध्यान रखना बच्चों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो उल्लेख है बच्चों, वो किसका है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीति निर्देशक तत्वों की पालना शिक्षा संबंधी योजनाओं का उल्लेख कीजिए। आप सब जानते बच्चों, नीति निर्देशक तत्वों की पालना करने में शिक्षा संबंधी कौन कौन सी योजनाएं चली बच्चों? आप सबको पता है, नीति निर्देशक तत्वों के मूल संविधान में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों 86वां संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत इसको 2002 में शिक्षा को अधिकार बना दिया और 2009 में RTE आ गया। क्या आ गया बच्चों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसके लिए कई योजनाएं चल रही है बच्चों, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, नाम सुना होगा बच्चों आपने, सर्व शिक्षा अभियान, और इसके अलावा मिड डे मील योजना, ये सब नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में चलने वाली योजनाएं हैं। एक तो ध्यान रखना बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान, और दूसरी योजना है आपकी बच्चों कौन सी? दूसरी योजना है मिड डे मील योजना, जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। और आज जो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ जो योजना चल रही है बच्चों, वो चल रही है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। कौन सी चल रही है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्वों की पालना करने में शिक्षा संबंधी कौन सी योजनाएं चल रही है? इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जो इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। ये बच्चों इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो ध्यान रखना बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 51A में जो है आपको क्या मिलते हैं? आपको मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 51A भाग। ध्यान रखना बच्चों, भाग
चार ए, क्या आएगा? भाग चार ए में जो है आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं चार ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। मैंने आपको बच्चों पिछले वीडियो में बताया भी था कि मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। इसके अलावा देखो पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है बच्चों? तो सबको पता है कौन से मौलिक अधिकार से है, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार से संबंधित है। कौन सा? 14 से 18 किसका उल्लेख करता है? समानता के अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में जन्म लिंग जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन में, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की चर्चा जो है आपका समानता का अधिकार करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में मैंने आपको बताया था शासन की आचार संहिता, क्या है? शासन की आचार संहिता, आचार संहिता, शासन की आचार संहिता कौन? नीति निर्देशक तत्व। शासन की आचार संहिता का मतलब है शासन को क्या देते हैं? शासन को एक प्रकार से नियमावली रखते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि राज्य सरकार को शिक्षा की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, पंचवर्षीय योजनाएं चलानी है, तो ये सब क्या है? शासन की आचार संहिता। दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आपको पता है अगर हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो इसका मतलब है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी बच्चों जब हमारे देश की जो सरकारें हैं वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को क्या करेगी, कम करेगी। फिर है शासन के मूल्यांकन का आधार, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जाती है, आर्थिक विकास से संबंधी जो योजनाएं चलाती है, उन सब के आधार पर हम शासन का क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन। तो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हम शासन का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था संविधान के क्रियान्वयन का आधार, संविधान के क्रियान्वयन का आधार, कार्यपालिका को क्या काम करना है, राज्य सरकारों को किस क्षेत्र में क्या काम करना है, ये बताता है हमारा संविधान में जो जो चीजें विषय बताए गए हैं उनको क्रियान्वित सरकारें करती है, तो वो किसका आधार बनाती है, नीति निर्देशक तत्व को। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का वाहक, हमारे देश में अगर कोई भी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होता है तो राज्य सरकारें नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए करती है। तो ये है बच्चों नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, शासन की आचार संहिता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, शासन के मूल्यांकन का आधार, संविधान के क्रियान्वयन का आधार, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का वाहक के रूप में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है, जो मैंने वीडियोस में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है बच्चों? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 23 से 24 में आपका मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मिलता है बलात्कार, और ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद 24 में मिलता है आपका बाल श्रम। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद बताए हुए हैं, तो एक बार दोबारा रिपीट कर ले और कॉपी में लिखते जाइए, संविधान के किन अनुच्छेदों से मूल अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक,
स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। नीति निर्देशक तत्वों की पालना में शिक्षा संबंधी योजनाएं कौन कौन सी है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आरटी अधिनियम लाया गया। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना, ये शिक्षा से संबंधित योजनाएं आपको नीति निर्देशक तत्वों के तहत मिलती है। उसके बाद बताया संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखना बच्चों भाग 4 ए में मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व समझाइए, तो शासन को आचार संहिता प्रदान करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, शासन के मूल्यांकन का आधार है, संविधान के क्रियान्वयन का आधार है, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का वाहक है। ठीक है, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक जो है आपके किसका उल्लेख है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख बच्चों देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने वो है मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं बच्चों, तो इनमें क्या है वो हम इस वीडियो में देखते हैं कि लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखो इस वीडियो में मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हाँ जी, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों के ऐसे अधिकार है, किसके अधिकार है, नागरिकों के ऐसे अधिकार है जो उसका सर्वांगीण विकास करते हैं। कौन सा विकास करते हैं बच्चों, सर्वांगीण विकास करते हैं नागरिक का, ऐसे जो अधिकार होते हैं बच्चों मौलिक अधिकार कहते हैं। और इसके बारे में न्यायाधीश सप्रू ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि नागरिकों के ऐसे अधिकार जो स्वतंत्रता समानता और न्याय की सुरक्षा करते हैं, ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये बच्चों इसका आंसर है कि नागरिकों के ऐसे अधिकार जो उसके सर्वांगीण विकास में हेल्प करते हैं वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है वो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या प्रावधान है, तो बच्चों ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, किस कौन सी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसमें चार प्रकार की स्वतंत्रताएं बच्चों बताई हुई है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मान सकते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म का मानना प्रचार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 कहते हैं आप किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है आपका, अगर आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या किसी भी धार्मिक संस्था में अगर मनी लगाते हो तो उसके लिए ना आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यह आपको अनुच्छेद 27 कहता है। और अनुच्छेद 28 ये कहते हैं कि आप किसी भी धार्मिक संस्था का अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, लेकिन उस धार्मिक संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन राज्य नियंत्रित अगर वो संस्थाएं हैं तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसमें चार अनुच्छेद है, धर्म को मानना, धर्म का प्रबंधन करना, करों की अदायगी न करना
और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण देना, यह अनुच्छेद 28 में देखने को मिलता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके क्या है बच्चों, वो देखिए। तीसरा क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक में चैप्टर 2 में निवारण नवचर बंदी पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके, निवारक नजरबंदी पर टिप्पणी लिखिए। निवारक नजरबंदी बच्चों, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है। और निवारक नजरबंदी का मतलब यह है कि अपराध करने से रोकने हेतु, अपराध करने से रोकने हेतु बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना न्यायिक प्रक्रिया के। निवारक नजरबंदी क्या कहता है कि अपराध करने से पूर्व बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना न्यायिक प्रक्रिया के अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, उसे ही आप बोलते हैं निवारक नजरबंदी। और ऐसा 3 महीने तक किया जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा अगर नजरबंद करना है तो एक क्या बनाया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा और एक समिति में एक न्यायिक जज का होना आवश्यक है। तो निवारक नजरबंदी अपराध करने से रोकने हेतु की जाती है। अपराध करने से रोकने हेतु बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी को बंदी बनाना ही निवारक नजरबंदी कहलाता है, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की उपाध्यता बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में वो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अध्यादेश आया बच्चों 1980 में, और उसमें कहा गया कि देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी गतिविधियां हो रही है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि अगर इसके तहत किसी के व्यक्ति के ऊपर अगर शक होता है तो उसको बंदी बनाया जा सकता है। इसके तहत 1984 में भी अधिनियम आया, कई ऐसे अधिनियम और अध्यादेश हमारे देश में लागू किए गए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की शांति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में दिए गए कोई 5 मूल कर्तव्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है मौलिक कर्तव्य, कोई भी 5 मौलिक कर्तव्य बता दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं तो आप कोई से भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, देश की एकता अखंडता की रक्षा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको बनाए रखना, राष्ट्र की सेवा करना, सामाजिक और व्यक्तिगत गतिविधियों का सतत प्रयास करना ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावकों का कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा नहीं करके करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, समरसता, भारतत्व और बंधुता की भावना का विकास करे। ये कोई भी 5 मौलिक कर्तव्य आपको इसमें लिखने हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसकी डिटेल आपको दे दी थी। नेक्स्ट है समानता के अधिकार हेतु संविधान में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। संविधान में 4-5 जो आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। आप सब जानते हो बच्चों
कि संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्यों के बिना अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। तो हमने इस वीडियो में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे के वीडियोस में हम जो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं 6, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस चैप्टर को पढ़कर के आप कितने लघुत्तरात्मक प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं ये पीछे वाले क्वेश्चन ही आपके है, किसी भी टाइप से प्रश्न बना करके आ सकता है। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे के वीडियोस भी बनाती रहूं। देखो इसमें निबंधात्मक प्रश्न जो आपके हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए इन्हीं दो मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप किसी भी दो मूल अधिकारों का वर्णन कर दीजिए, जैसे आपने दो अधिकार ले लिए, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के अधिकार में पांचों अनुच्छेदों के बारे में उल्लेख कर देना है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, इन सब का आपको उल्लेख करना है। स्वतंत्रता के अधिकार में चारों अनुच्छेद ले लेने हैं, 19, 20, 21 और 22, इन सब की डिटेल आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है, वो अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न में लिखा है, तो ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका महत्व बताते हुए समानता के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये आपको क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आपको जो आज क्वेश्चन मैं आपको देने दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को आपको हल करना है और उनके क्वेश्चन के आंसर लिख करके मुझे PDF करना है बच्चों। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप इनके क्वेश्चन के आंसर लिखे, जो आज पिछले एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है इनको आपको मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, इनको आपको कॉपी में इनके आंसर्स लिखने हैं। तो देखो लिखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लिखो मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए, मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है, क्या अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को समझाइए। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं और इसका PDF मेरे को भेजना है। मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को समझाइए। तो आप इसी तरह मेरे इस चैनल पर बने रहिए, ताकि मैं आगे के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और आप इन वीडियोस का फायदा उठाओ। तो कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के बच्चों को इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसका आप अच्छे से लाभ ले सको। धन्यवाद।